एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं खाली बॉटल से कुछ बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये पुरानी खाली बॉटल ली है जिसको मैंने धुल लिया है, और पुराना सॉक्स लिया है मैंने। ये हम लोग फेंक देते हैं, तो ये सॉक्स मैं इसमें यूज़ करूँगी। और फेविकोल लिया है मैंने, फेविकोल एमार। और ये मैंने पाउडर फॉर्म में गोल्डन कलर लिया है। एक रबर बैंड लिया मैंने, ब्रश लिया है, और इसमें कलर हमें लेना है ब्लैक, तो आप एक्रेलिक कलर भी ले सकते हैं। मेरे पास ये सिंथेटिक एनामेल था, तो मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने पहले से ही ग्लव्स पहन रखा है ताकि हाथ गंदा ना हो। अभी मैं फेविकोल यूज़ करूँगी, उसके बाद पेंट यूज़ करूँगी। तो ये मैंने फेविकोल निकाल लिया है थोड़े बड़े बर्तन में, और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, पतला सा घोल बन जाएगा। ये देखिए, ये हमारा घोल बन गया है थोड़ा पतला सा। अब इसमें हम पूरे सॉक्स को डिप कर देंगे। एक सॉक्स यूज कर रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए, सॉक्स पूरा फेविकोल में भीग गया है। अब इसके अंदर हम बॉटल को डालेंगे। ये मैंने सॉक्स को ऐसे कर लिया और बॉटल को इसमें ऐसे। ये देखिए, जो नीचे का पार्ट है हमारा, इसको बहुत चिकना कर देंगे ताकि बॉटल आराम से खड़ा हो जाए। यहाँ पे सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये सॉक्स का ऊपर का पार्ट ये काफ़ी ढीला है, तो इसको हम यहाँ पे फ्लावर का शेप देंगे, ऐसे ऐसे इसको मोड़ते हुए। और यहाँ पे रबर बैंड लगा देंगे ताकि ये इसी शेप में यहाँ पे सेट हो जाए। तो ये देखिए, ये फ्लावर का शेप हो गया। अब जितना सॉक्स इसमें ढीला पड़ा हुआ है, इसको हम एक शेप देंगे। शेप क्या कि मतलब इसको हमें सिकुड़ा करके और रिंकल्स बनाने हैं। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी कैसे भी, मतलब बड़ा सॉक्स है तो ज़्यादा रिंकल्स बनेंगे, छोटा है तो कम बनेंगे। तो ऐसे करके इसको सिकुड़ाते हुए काफ़ी कायदे से इसको चिपका देंगे इसमें। ये देखिए, मैंने ऐसे कर दिया। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कर दिया है। तो ये बॉटल थोड़ी बड़ी है तो कम रिंकल्स आ रहे हैं। अगर आप छोटी बॉटल में बड़ा सॉक्स लगाएंगी तो काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स आएंगे। तो इसको अब हमें सूखने के लिए छोड़ देना है। तो जब ये बहुत अच्छी तरह से सूख जाएगा, उसके बाद हम इसको पेंट करेंगे। तो अब ये बॉटल सूख गई है, देखिए बहुत अच्छी तरह से, और ये काफ़ी हार्ड हो गया है। ये जो रिंकल्स हमने बनाए थे इसमें, देखिए बिल्कुल इधर से उधर नहीं हो रहा है, बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो इसमें जो रबर बैंड लगाए थे उसको हटा देंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे बहुत सुंदर सा फ्लावर बन गया है। तो अब इसको पेंट करेंगे। मैं ब्लैक पेंट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने पसंद से कोई और भी कलर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी बॉटल कलर हो गई है। तो अब मैं ये ले रही हूँ पाउडर फॉर्म में गोल्डन कलर। आप चाहें तो लिक्विड में भी ले सकते हैं, पाउडर ना हो तो। तो ये मैंने ज़रा सा ले लिया और ऐसे अपनी फिंगर पे लेके, और इसको ये जो उभरा हुआ पार्ट है वहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे। तो ये देखिए, बहुत सुंदर ये बॉटल बनके तैयार हो गई है, ब्लैक और गोल्डन में। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये मैंने एक सिल्वर भी बना के रखा है। ये देखिए, ब्लैक और सिल्वर, और ब्लैक और गोल्डन, और दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये थोड़ी छोटी बॉटल में मैंने बनाया, तो इसमें रिंकल्स ज़्यादा पड़े हैं। तो आप भी ऐसे छोटी या बड़ी किसी भी बॉटल में, आप चाहें तो प्लास्टिक के बॉटल में भी इसको बना सकते हैं, और इसको चाहें तो ऐसे भी आप रख सकते हैं, अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं, या इसमें फ्लावर या कोई स्टिक भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।